बीएसआई एक्सप्लेन्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर शांतोंग के बारे में। पिछले हफ्ते ताइवान के आर्म्ड फोर्सेस ने दुनिया को बताया पीएलए नेवी की शांतोंग एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट ताइवान स्ट्रेट के करीब से होकर गुजरी, जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान शांतोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर आकर्षित कर दिया है। शांतोंग का निर्माण सन 2013 में चीन की तालियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कंपनी ने शुरू किया और सन 2017 में इसे लॉन्च किया। खबरों के अनुसार करीब 9 सी ट्रायल्स के बाद इसे सन 2019 में पीएलए नेवी में कमीशन किया गया। ये चीन का पहला इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। शांतोंग को टाइप 002 कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 से 70,000 टन, लंबाई 315 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। इसकी स्पीड 31 नॉट्स है। ये कैरियर लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर सहित लगभग 40 विमान ले जा सकता है, जिसमें J-15 लड़ाकू जेट, Z-18 और Z-9 हेलीकॉप्टर, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स शामिल हैं। इसमें मिसाइलों और विमानों जैसे आने वाले खतरों से बचाव के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी इंस्टॉल्ड हैं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें पहला है टाइप 001 लियाओनिंग, जो कि यूक्रेन से प्राप्त किया गया, जिसे सन 2012 में कमीशन किया गया। टाइप 002 शांतोंग चीन का पहला इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे सन 2019 में कमीशन किया गया। इसके बाद बारी आती है टाइप 003 फुचियन की, जिसे सन 2022 में कमीशन किया गया। आम तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 से 15 साल का समय लगता है, लेकिन चीन बहुत कम समय के अंतराल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। एनालिस्ट की माने तो चीन ने 2030 तक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फौज खड़ी करने का एम बनाया है। अप्रैल 2023 में शांतोंग ने यूनाइटेड शार्प सॉर्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भाग लिया, जहां इसने ताइवान की ओर हवाई और समुद्री हमले किए। चीन आए दिन साउथ ईस्ट एशियन देशों के मैरिटाइम क्षेत्रों में घुसपैठ करता है, जिसने चीन को साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ बनाने में मदद की है। देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशियन देशों में से किसी देश की नौसेना इतनी ताकतवर नहीं है जो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, जिस वजह से चीन साउथ चाइना सी में अपनी मर्जी चला रहा है। चीन ने अपने सभी नेवल वेसल्स को जाने पहचाने क्षेत्र साउथ चाइना सी में टेस्ट कर चुका है, पर इन वेसल्स ने किसी एक्चुअल कन्फ्रंटेशन में भाग नहीं लिया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि चीन अपनी ताकत साबित करने में सक्षम होगा या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट के डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करें, तो हमें लिखिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।